प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत संबंध और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस और फंक्शंस यानी कि फलन का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने कार्तिक गुणनफल पढ़े थे, यानी कि दो अगर समुच्चय होते हैं तो उनका कार्तिक गुणनफल यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करते हैं वो आपको बताया गया था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इस चैप्टर में समुच्चय का ज्ञान होना था, जो आपको विस्तार पूर्वक मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया, और साथ में इसके बाद कार्तिक गुणनफल, और उसके बाद अब आपको संबंध और यानी कि रिलेशन, और रिलेशन समझने के बाद आपको फंक्शंस के बारे में अवधारणा बनेगी। ठीक है, तो ऐसे सिस्टमेटिक आपको समझना है। तो यहाँ हम आज स्टार्ट करें संबंध। तो संबंध यानी कि ये संबंध जिसको हम रिलेशन बोलते हैं, रिलेशंस। संबंध की जो परिभाषा दे रखी है आपकी बुक में, वो विशेष रूप से लिख रखी है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। एक कोई समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, तो इसमें संबंध कार्तिक गुणनफल ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। समझिए आप, अगर कोई एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, तब इससे इसका जो संबंध है वो एक प्रकार से रिलेशन को हम आर से शो करते हैं। तो जो संबंध रहता है वो जनरली उपसमुच्चय होता है इसका, ए क्रॉस बी का। मतलब ये बात हमको समझ में आई कि जो रिलेशन या संबंध रहता है वो निश्चित रूप से ए क्रॉस बी में जो अवयव रहते हैं वो कार्तिक गुणनफल के रूप में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम बनाते हैं तो हमेशा वो आपके ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम क्रमित युग्म बोलते थे, उसी के रूप में होता था। तो ए क्रॉस बी प्राप्त करने के बाद ही आपको संबंध प्राप्त होगा। मतलब जो रिलेशन होगा वो निश्चित रूप से ए क्रॉस बी के अवयव से ही बनेगा। अब ए क्रॉस बी के क्या सभी अवयव लेना है, तो सभी अवयव भी हो सकते हैं या उसमें से कुछ अवयव को नहीं भी लिया जा सकता है। मतलब ये उपसमुच्चय भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात तो ये कही आपको कि किसी नॉन एम्प्टी सेट ए और नॉन एम्प्टी सेट बी में जो रिलेशन रहता है वो उसके ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय के बराबर होता है। ठीक है, का उपसमुच्चय होता है, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के बीच एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, इन दोनों में कोई एक रिलेशन होगा, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि संबंध क्या है, और द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मान लिया जाए मैंने यहाँ पर आपको एक सेट ए बनाया और एक सेट बी बनाया। अब मान लिया जाए इसमें मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। ठीक है, अब 1 का मैं मान लिया जाए यहाँ एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ। एक रिलेशन हमारे पास ये है कि जो अवयव इसमें है उसको y शो कर रहे हैं हम, यानी कि x एंड y सच देट y इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, ये एक रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा। ये अपने आप में एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। देखिए आप, इसमें बोल रहा है कि जो भाई है वो x से एक ज़्यादा है, और इसमें और एक लिमिट दे देते हैं, जबकि x का जो वैल्यू है वो 1 से ला करके और 3 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सभी कंडीशंस को इसमें अप्लाई करते हैं हम। क्या बोल रहा है, 1 ले सकते हैं आप x को, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। अब x का वैल्यू अगर इसमें हम रखते हैं तो x का वैल्यू जैसे ही रखते हैं तो y प्राप्त होगा, यानी कि y हो गया 2। अगर हम 2 रखते हैं x की जगह तो 3 हो गया, और 3 रखते हैं तो 4 हो गया। यानी हमने देखा कि 1 का रिलेशन इससे हुआ, इसका इससे संबंध हुआ, और इसका इससे संबंध हुआ। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ ए और बी के अवयवों में एक विशेष संबंध है, विशेष प्रकार का रिलेशन है। तो इसमें जो बी के अवयव हैं इसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो प्रतिबिंब है एक का, जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमेज और इसको बोलते हैं प्री इमेज। इन अवयवों को हम प्रतिबिंब बोलते हैं, जैसे 2 इज द इमेज ऑफ 1। ठीक है, बट यहाँ पर 1 जो रहता है वो प्री इमेज है, तो 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। यानी 2 जो है वो प्रतिबिंब है एक का, 3 प्रतिबिंब है किसका, 2 का, या 2 पूर्व प्रतिबिंब है 3 का, इस प्रकार से 3 पूर्व प्रतिबिंब है 4 का। ये सभी आपके इमेजेस कहलाती है, और ये सभी आपके प्री इमेजेस कहलाते हैं। एक तो ये कहा है इसमें, इसके बाद में इसको लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ
जैसे ये अवयव अगर वाई ले रहे हैं तो वाई इक्वल्स टू हम एफ एक्स याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ वन इक्वल्स टू कौन हुआ, टू, ठीक है। यानी इस अवयव की जो इमेज है वो क्या है, टू है। इस प्रकार से एफ ऑफ टू इक्वल्स टू थ्री, एफ ऑफ थ्री इक्वल्स टू फोर, ये सभी आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, जब रिलेशन प्राप्त हो जाता है तब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन में और रिलेशन में थोड़ा सा अंतर है। रिलेशन के अकॉर्डिंग हम फंक्शन प्राप्त करेंगे, तो फंक्शन की कुछ विशेषताएं हैं वो हम अभी क्वेश्चंस में प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, चूँकि शब्दों का बड़ा इसमें विशेष महत्व है। तो इसने कहा था दो ए और बी में रिलेशन तभी बन सकता है जब वो कैसे हो, नॉन एम्प्टी हो, तब उनका ए क्रॉस बी निकालना है। तब ए क्रॉस बी जो रिलेशन रहता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और प्रथम और द्वितीय के बीच में विशेष संबंध, जैसे विशेष रूप से मैंने ये बताया था, ये एक विशेष संबंध हो गया। और इसमें द्वितीय घटक मतलब ये जो सेकेंड एलिमेंट है प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये सब बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी। इसके बाद में एक डेफिनेशन और दे रखा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों में के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, प्रांत। ये जो आपका समुच्चय बना वन टू थ्री, ये आपका डोमेन कहलाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो ये सभी डोमेन क्योंकि इनका किसी से रिलेशन हुआ है, ये किसी की प्री इमेज है, मतलब ये पूरा सेट आपका क्या कहलाएगा, डोमेन। और इसके बाद में तीसरा डेफिनेशन लिखा है, परिभाषा नंबर चार, इसमें लिखा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय आर को हम परिसर कहते हैं। ये जो आपका है वो रेंज कहलाता है, जैसे टू थ्री फोर, ये किसी न किसी के इमेजेस हैं। इस एलिमेंट का इमेजेस ये हैं, इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट का इमेज ये हैं। तो यूँ कह सकते हैं हम कि जो समुच्चय बनता है इमेजेस से वो आपका परिसर कहलाता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम रेंज, ठीक है। रेंज यानी कि परिसर बोलते हैं। इसको जनरली हम डी से शो करेंगे, इसको हम आर से शो करेंगे। तो परिसर एक प्रकार से इसमें जो जो इमेजेस बन गई उनका जो समुच्चय रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अब एक शब्द और आता है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन जो रहेगा इसमें और परिसर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है। तो कोडोमेन जो रहता है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लिया जाए एक एलिमेंट और लेता मैं, ठीक है, इस डेफिनेशन को हम देखते हुए, मान लिया जाए दो सेट्स थे और आपको ये एरो डायग्राम से इसने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। ये फंक्शन तो है बट इसमें जो आपका डोमेन हो वन टू थ्री है, यहाँ जो इमेजेस बनी है वो टू थ्री और फोर की ही बनी है। ये टू इमेज है इसकी, थ्री इसकी है, फोर इसकी है, बट फाइव किसी की इमेज नहीं है। तो इस स्थिति में हम को डोमेन की अगर बात करते हैं, डोमेन में तो वन टू थ्री हो गया, को डोमेन जो रहेगा वो सेट होता है सेकेंड वाला, जो भी आपका बी सेट है उसके जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सब कोडोमेन में आएंगे, मीन्स टू थ्री फोर और फाइव, ये आपके कोडोमेन हैं। और जबकि आप यहाँ रेंज क्या देख रहे थे, टू थ्री फोर, तो दोनों को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें हमने फाइव को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये किसी की इमेज नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में फंक्शन में एक बात और आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन, अब हम इसे आगे चलते हैं, रिलेशन की बात की, फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन भी है, बट इसकी बात करें तो देखिए आप, मान लिया जाए मैंने यहाँ लिखा वन टू थ्री और यहाँ लिखा मैंने फोर और सिक्स, तो टू का रिलेशन मैंने फोर से कर दिया, थ्री का इससे कर दिया, बट वन का रिलेशन किसी से नहीं हुआ, मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि ये किसी, इसकी कोई इमेज नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट अगर बच जाता है डोमेन में तो फिर ये आपका फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये आपका फिर फंक्शन ही नहीं होगा, यानी फलन की परिभाषा इस पर अप्लाई नहीं होती है। कब अप्लाई नहीं होती है, अभी क्या बताया मैंने आपको कि जब डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा, या डोमेन नहीं कह सकते अभी, डोमेन तो तभी बनेगा जब वो फंक्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कोई आपको प्रतिचित्रण या रिलेशन के रूप में डिफाइन करके दिया है जिसमें प्रथम समुच्चय में ऐसा कोई अवयव शेष है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन नहीं होगा,
ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप इसको विशेष रूप से पढ़ते हुए ध्यान से पढ़ें, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको इन दोनों में बताया कि डोमेन और रेंज में क्या अंतर है, फिर डोमेन इसमें डोमेन 1, 2, 3 क्यों नहीं हो सकता है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों मतलब ऐसी कभी पोजिशन आपकी नहीं आएगी कि इसमें कोई एलिमेंट बच सकता है। हाँ, इसी प्रकार का अगर ऐसी पोजिशन बनती है कि यहाँ 1, 2, 3 आ रहा है और यहाँ आपका 4, 5, 6 आ रहा है, मैंने इसको इससे रिलेशन कर दिया, इसको इससे रिलेशन कर दिया और मान लीजिए 1 का 1 से ही कर दिया और यहाँ कोई आपका एलिमेंट बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये किसी का इमेज नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका इनटू फंक्शन कहलाएगा। फिलहाल आपके कोर्स में इतना ज़्यादा आगे नहीं है फंक्शन के बारे में, बात का आगे हम 12th में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने मोटे तौर पर यह बताया कि सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेट बनते हैं उसके एलिमेंट्स को लेकर के ही रिलेशन बनाया जाता है, फिर रिलेशन से ही हम फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए आप उदाहरण नंबर 7 है आपके एनसीईआरटी की बुक का, इसमें लिखा है कि ए सेट जो दे रखा है, सेट ए में आपको एलिमेंट्स दे रखे 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक। इस प्रकार से एक सेट बी दे रखा है, समुच्चय बी नहीं समुच्चय बी नहीं दे रखा है, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच देट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, द्वारा ए से ए में एक संबंध बताया है ए टू ए। जनरली ए टू ए ही आएंगे अधिकतर रिलेशन, आपको ए टू ए एक सेट मिलता है तो जनरली आपको अगर कुछ भी नहीं लिखा है मीन्स वो ए टू ए ही रिलेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक संबंध परिभाषित कीजिए, जबकि ये संबंध, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा बताओ, एक तो एरो डायग्राम से इसको बताना है, तीर आरेख से बताना है, दूसरा आपको इसका प्रांत बताना है, उसके बाद में इसका सहप्रांत बताना है, सहप्रांत, और तीसरी बात इसमें लिखा है परिसर, यानी आपको डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना और उसकी रेंज बताना है और एरो डायग्राम से इसको भी शो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि समुच्चय ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो 1 से ला करके 6 तक है, उसके बाद में रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते थे। अब आपको ए क्रॉस ए बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि ए क्रॉस ए बनाएंगे तो 36 एलिमेंट्स बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी जो भी रहता है उसके कुछ एलिमेंट्स को या सभी एलिमेंट्स को लेकर के ही रिलेशन बनता है। रिलेशन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए क्रॉस बी में या ए क्रॉस ए, अगर ए की सेट है तो ए क्रॉस ए बोलेंगे हम, ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट होगा रिलेशन में, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया आर का वैल्यू। देखिए आर का डेफिनेशन हमेशा, आर में आप जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे, रिलेशन अकेले से नहीं बनते हैं, ठीक है। मैं अगर टीचर हूँ तो किसी स्टूडेंट का हूँ, मैं अपने आप का स्टूडेंट और मैं अपने आप का टीचर नहीं बन सकता हूँ, तो स्टूडेंट और टीचर टू वे बनता है, तो हमेशा यहाँ पर भी रिलेशन जो रहता है वो हमेशा पेयर के रूप में ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डेफिनेशन का है कि वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, वाई हमेशा सेकेंड एलिमेंट रहता है, एक्स आपका फर्स्ट एलिमेंट। अब एक्स को इनपुट करते जाइए आप, वाई बनता जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक्स को मैं 1 लेता हूँ तो निश्चित रूप से वाई 2 हो गया, एक्स 1, 1 प्लस 1, फिर 2 लेते हैं तो 3 होगा, 3 लेते हैं तो 4 होगा, 4 लेते हैं तो 5 होगा, 5 लेते हैं तो 6 होगा, और 6 लेंगे तो 7 होगा, ठीक है। इसके आगे क्यों नहीं लेना है, क्योंकि एक एलिमेंट 6 तक है। अब इसने कहा है कि तीर आरेख द्वारा बताओ, ये तो मैंने आपको रिलेशन डिफाइन कर दिया, इसको एरो डायग्राम से कैसे शो करते हैं, तो इसको आप सर्कल भी बना सकते हैं या आप इसको इलिप्स जैसा भी बना सकते हैं। ए और बी में एक आपको रिलेशन को डिफाइन करना है, इसमें ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए में है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। इस प्रकार से 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है, 2 का रिलेशन है 3 से, 3 का रिलेशन 4 से है, 5 से है और 6 से, ठीक है, और 6 का रिलेशन है 7 से। अब आप देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 2 से किया था, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 6 से, और ये 6 का 7 से। इस प्रकार से ये जो आपने डायग्राम बनाया इसी को हम क्या कहते हैं, तीर आरेख या एरो डायग्राम। इसके बाद में सेकेंड इसका
ये है कि प्रांत क्या है इसका। तो जब ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है, ये आपका फंक्शन हो गया। अब जब फंक्शन बन जाता है तब इसका प्रांत यानी कि डोमेन, डोमेन जो रहता है, मैंने आपको बताया था कि जो पहला सेट है, अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो चुका है तो उस फंक्शन में जो पहला सेट रहता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब आपके डोमेन कहलाएंगे। ये देखिए आप, क्या होगा, 1 से ला करके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये सभी आपके डोमेन हो जाएंगे। जबकि इसका सहप्रांत भी बताना है, कोडोमेन यानी सहप्रांत, सहप्रांत जो होगा इसके ऐसे एलिमेंट्स लेना है आपको और समुच्चय बनाना है जो इमेज बन चुके हैं किसी की भी। देखिए सभी इमेजेस बन चुके हैं, 2 इमेज है 1 का 3 इमेज है, इस प्रकार से सभी इमेज है, इसलिए आ जाएगा 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपकी सभी इमेजेस थी। इसलिए सहप्रांत में, सॉरी मैंने आपको सहप्रांत बताया, तो सहप्रांत में जो बी में अवयव दिख रहे हैं उन सभी को आपको लेना है, ठीक है। इमेजेस का सेट तो कब बनाएंगे हम, जब उसका परिसर लेंगे। तो परिसर यानी कि रेंज जब लेते हैं, रेंज के समय आपको ये देखना है और ध्यान से देखना उस समय कि रेंज में आपको सभी नहीं ले लेना है, जो जो इमेजेस बन चुके हैं। तो वैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरे इमेजेस बन चुकी है, इसलिए डोमेन जो रहता है, कोडोमेन और रेंज, ये कभी कभी दोनों इक्वल भी दिखेंगे, ठीक है। और आगे जाकर के आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो जो फंक्शन रहता है उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं या आच्छादक कहते हैं, तो वो आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि सभी इमेजेस बन चुकी हैं और इमेजेस का जो समुच्चय होता है वही क्या कहलाता है, आपका परिसर या रेंज कहलाता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मान लिया जाए यहाँ 8 और होता, तो अब बताइए आप 8 होता तो क्या होता, कोडोमेन में तो 8 लेते हम, परंतु उसको रेंज में 8 को नहीं लेते, क्योंकि 8 किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। तो आपको इमेज का जो सेट बनता है वो आपका रेंज में आता है, और जो बी सेट रहता है वो पूरा आपका कोडोमेन कहलाता है, ए जो सेट रहता है वो डोमेन कहलाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।